बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू आर उर्दू, सो हरी डी ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। तो ये जो वो कश्ती है जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था कि आप बनाएँ लकड़ी लेके, तो वो फिर देखते हैं उस स्टोरी में क्या। उसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं, ठीक है। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है, खुद में कुछ नबियों के बारे में और उनके नाम की कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर पूरी सूरत है, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने, बुरे कामों से बचने के लिए कहते थे और बहुत दिनों तक, बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातें सुनी और बुरे कामों को छोड़ा, बल्कि बाकी तमाम लोग वैसे के वैसे ही उन्हीं कामों में मसरूफ़ रहे। जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई, तो अल्लाह ने उन लोगों को सजा देने का फैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। उनके साथियों ने उनकी मदद की। दूसरे लोग उनको ये काम को करते या देखते हो तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या, ये वो। लेकिन उनको नहीं पता था कि तूफान आने वाला है जिसमें वो बह जाएंगे और सिर्फ ये कश्ती वाले लोग ही बचेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके साथी इन तमाम बातों को कोई जवाब ना देते, अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार होगी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। ये देखें आप, जो जोड़ा पूरा जा रहा है, मीन कपल जैसे होता है, एक नर और एक मादा, ऐसे उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तमाम जानवरों जैसे हिरन, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी सारे कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देखकर मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सबको क्या हो गया, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं, नाफरमान लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे सबसे पहले भी समझाया था, लेकिन वो ना माना। एक बार फिर उन्होंने इसे बुलाया, मगर उसने कहा, मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक बादल आ गए और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। थोड़ी देर में कुछ ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन से भी पानी उबल रहा हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गया और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था, वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पानी में ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों तक बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग सूरज को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और उनकी कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी जिसका नाम ज्योति है। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया, सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी। ये कहते हैं अभी भी ये शान रमजान लगता था, उसमें आप देखा करें कि एक था, उसमें सुबह साइंटिफिकली उसमें दिखाते हैं प्रोग्राम, तो उसमें जो है उसमें प्रॉपर दिखाते हैं कि इस्लाम और साइंस कि जो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने बताया हमें, वो अभी साइंस जो साइंटिफिक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो अभी बता रहे हैं कि हाँ साइंस भी ऐसा कहती कि ऐसा कुछ था कि ऐसे, जैसे वो सूरह रहमान में आता है कि पानी ये दो तरह का पानी है, लेकिन अपनी अपनी वो रहता है, अपने अपने दरिया क्या अपने अपने बहाव में बहता है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया और साइंटिस्ट अभी उन्होंने साबित किया हाँ वाकई एक दरिया या एक समंदर ऐसा है। तो वो भी अभी उनको एक वो मिली भी है, कश्ती के कुछ आसार मिले हैं, तो वो जो पहाड़ी का नेम है जिसके साथ जा लगे जो जुदी। इसी तरह मैंने उसने भी बताया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या बोलते हैं, आदम सानी की। एक तो आदम अलैहिस्सलाम थे जिनसे औलाद का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो दूसरे औलाद का सिलसिला, क्योंकि बाकी सारे मर गए थे, कुछ ही बचे, तो बाकी किन की औलाद में आते हैं, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में आते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा लकब कौन सा, आदम सानी, मीन्स के वो दूसरे आदम थे, ठीक है। यही आज आपकी स्टोरी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आज आपने पढ़नी है, तो इंशाल्लाह कल मैं इसकी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। मैंने तो बहुत तेज़ पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो का टाइम कम लगे, लेकिन आपने इसको आराम से पढ़ना है और अपने मामा बाबा के पास बैठ के काम किया करें और उनकी हेल्प भी लिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मैं आपसे अगेन मिलूंगी और एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।